नमस्ते फ्रेंड्स, आपका आरएस नर्सिंग करियर पॉइंट में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, वो है कलर कोडिंग फॉर मेडिकल गैस सिलेंडर। जो मेडिकल लाइन के अंदर कौन कौन से गैस सिलेंडर यूज किए जाते हैं, एग्जाम में इससे या तो इमेज में सवाल बनता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस में कौन सा सिलेंडर यूज किया जाता है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम एक एक गैस सिलेंडर को क्रम बाई पढ़ते हैं। पहला सिलेंडर होता है, वो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसके अंदर वाइट कैप यूज की जाती है एंड ब्लैक बॉडी यूज की जाती है। क्या? वाइट कैप एंड ब्लैक बॉडी। ऑक्सीजन सिलेंडर आल्सो अवेलेबल इन ग्रीन कलर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, बहुत से हॉस्पिटलों में क्या होता है, ये ग्रीन कलर का भी होता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर ग्रीन कलर भी आ रहा है तो वो भी ऑक्सीजन कलर होता है। लेकिन मोस्टली ये सवाल पूछा जाता है वाइट कैप एंड ब्लैक बॉडी, ये कौन सा कलर होता है, होता है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या होगा, ऑक्सीजन के अंदर वाइट कैप एंड ब्लैक बॉडी, और ग्रीन कलर में भी ये अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर हम कौन सा गैस सिलेंडर यूज करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर हम लाइट ब्लू कलर का जो गैस सिलेंडर होता है वो यूज करते हैं। कौन सा? लाइट ब्लू। लाइट ब्लू कलर सिलेंडर कैसा है, देखो इस तरीके का सिलेंडर होता है, वो होता है लाइट ब्लू सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन के अंदर हम ब्लैक बॉडी वाइट कैप यूज कर रहे थे, ग्रीन कलर में अवेलेबल था। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसके अंदर कैसा कलर होता है, लाइट ब्लू कलर का जो होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है मेडिकल एयर। मेडिकल एयर के अंदर ब्लैक एंड वाइट कलर का जो सिलेंडर होता है वो मेडिकल एयर के अंदर यूज किया जाता है। इस तरीके का सिलेंडर होता है, वो होता है मेडिकल एयर। ऐसे इमेज में सवाल पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने इमेज इसके अंदर पुट की हुई है कि कौन सा सिलेंडर कहाँ यूज होता है, किस तरीके से सिलेंडर होता है, ताकि हम हॉस्पिटल के अंदर जाए। जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे, स्किल टेस्ट भी होने वाला है, स्किल टेस्ट में भी इसको पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेडिकल एयर है, उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट कलर का सिलेंडर यूज होता है। इस तरीके का सिलेंडर होता है, वो होता है ब्लैक एंड वाइट सिलेंडर, जो कहाँ होता है, मेडिकल के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं, वो होता है सक्शन। सक्शन के लिए कौन सा सिलेंडर यूज किया जाता है? सक्शन के लिए दोस्तों येलो कलर का सिलेंडर यूज किया जाता है। कौन सा? येलो कलर का सिलेंडर। इस तरीके का सिलेंडर होता है, वो सक्शन के लिए हम यूज करते हैं। सक्शन करते हैं पेशेंट का, उस टाइम जो सिलेंडर यूज किया जाता है वो होता है ग्रीन कलर का सिलेंडर, हमेशा सक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सक्शन के लिए कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं, येलो कलर का। ठीक है दोस्तों, जो सक्शन करते हैं हम नॉर्मल कितना टाइम करते हैं, 10 सेकंड के लिए, हम 10 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, सक्शन यूज करते हैं। सक्शन कितने टाइम के लिए करते हैं, ओनली फॉर 10 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। ठीक है, कभी और पूछा वो सवाल है कि सक्शन कितने टाइम के लिए करते हैं, 10 सेकंड के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सक्शन में कौन सा सिलेंडर यूज हो रहा है, येलो कलर का। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर कौन सा सिलेंडर यूज होता है? नाइट्रोजन के अंदर हम कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं? नाइट्रोजन के अंदर हमेशा दोस्तों याद रखना, ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है, वो नाइट्रोजन के अंदर यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन सिलेंडर किस तरीके को, इस तरीके का सिलेंडर होता है, वो होता है नाइट्रोजन सिलेंडर। हम इसको ब्लैक कलर का सिलेंडर किस में यूज करते हैं, नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन से कौन सा सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ब्लैक कलर। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम ग्रे कलर का यूज करते हैं, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। एक तो CO2 वाला पूछता है एग्जाम में, या CO2 वाला पूछता है, मोस्टली ये सवाल आज तक पूछे हुए, डायरेक्ट इमेज भी पुट करता है या फिर डायरेक्ट सवाल पूछता है कि CO2 में कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं और O2 में कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं। तो CO2 के अंदर आप कौन सा सिलेंडर यूज कर रहे हैं दोस्तों, ग्रे कलर का सिलेंडर यूज कर रहे हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम ग्रे कलर का
सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सिलेंडर होता है उसको किस तरीके से खोलते हैं, तो हमेशा हम दोस्तों उसको एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज हमेशा सिलेंडर को खोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक होती है घड़ी उसके विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, गैस सिलेंडर को हम खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा सिलेंडर यूज कर रहे हैं हम, ग्रे कलर सिलेंडर यूज करते हैं। उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम के अंदर हम ब्राउन कलर का सिलेंडर यूज करते हैं। इस तरीके का सिलेंडर होता है वो होता है ब्राउन कलर का सिलेंडर, किसके अंदर यूज करते हैं हम, हीलियम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हीलियम के अंदर कौन सा सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ब्राउन। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ऑक्सीजन के अंदर कौन सा सिलेंडर यूज हो रहा है, ब्लैक वाइट कैप एंड ब्लैक बॉडी, और इसको ग्रीन कलर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, लाइट ब्लू कलर का सिलेंडर होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं। मेडिकल एयर के लिए ब्लैक एंड वाइट सिलेंडर यूज करते हैं मेडिकल एयर के लिए। उसके बाद सक्शन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सक्शन के लिए हम येलो कलर का सिलेंडर होता है वो यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नाइट्रोजन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ब्लैक कलर का यूज करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम ग्रे कलर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हीलियम, हीलियम के लिए ब्राउन कलर का यूज करते हैं। तो कभी कभार सवाल पूछता है लेप्रोस्कोपी के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, तो CO2 गैस होती है वो लेप्रोस्कोपी के अंदर यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, CO2 कौन होता है, लेप्रोस्कोपी के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका हीलियम में कौन सी, ब्राउन कलर का सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।